这个叮叮哒，滴滴哒，滴滴哒哒哒哒。नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज मेरे साथ है सुष्मिता, जो एक्चुअली कथक कलाकार है, छोटी बहन जैसी है। एंड बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि हम महाराज जी के बारे में बात करेंगे, पर मैंने सोचा अगर सुष्मिता मिल गई, क्योंकि महाराज जी के पास में बहुत सालों से सीख रही थी, कर रही थी, थोड़ा सा हम महाराज जी के बारे में बात करते हैं। अच्छा सुष्मिता, तुम थोड़ा बताओ कि कथक कहाँ से शुरू हुआ और महाराज जी कब तुम्हारे जीवन में आए? मैं तो डांस शुरू किया जब मैं साढ़े तीन साल की थी। पहले मैं गुरु वंदना से उनके पास सीखी, उसके बाद पदाती डांस सेंटर में विदेशंकर जी के पास मेरा शिक्षा हुआ। उसके बाद मैं महाराज जी के पास गई। एक्चुअली महाराज जी पदाती में और कलकत्ता में रेगुलर आते थे वर्कशॉप के लिए, तो उनके साथ पहले वर्कशॉप में मुलाकात हुआ। फिर कलाश्रम जब शुरू हुआ दिल्ली में, आई थिंक ये था 98 या 99, उस टाइम जब कलाश्रम का फर्स्ट वर्कशॉप हुआ था दिल्ली में, तो महाराज जी हम लोगों को वहाँ पे बुलाए थे वर्कशॉप में ज्वाइन करने के लिए। तो वही फर्स्ट टाइम था महाराज जी के सामने, महाराज जी के करीब आने का जो मौका हमें मिला। तो उसके बाद वो कभी तक कभी रुका नहीं, वो चलते रहा। फिर उनके ग्रुप में काम किया, उनके साथ देश विदेश सब जगह टूर किया। एक फैमिली रिलेशन जैसा हम लोगों के साथ हो गया था महाराज जी के साथ। अच्छा, महाराज जी तो मतलब हमारे लिए ऐसे है कि भगवान है, कथक की दुनिया में हम मानते हैं इस तरह से। तो उन्हें जैसे वंदना देवी के पास तुमने सीखा, फिर विजय शंकर जी के पास सीखने के बाद जब महाराज जी के पास गए, तो स्टाइल का कुछ अलग लगा, सीखने का तरीका कुछ अलग लगा कि क्योंकि विजय शंकर जी के पास सीखे हो तो उसका फायदा हुआ होगा? यही हम लोगों का सबसे बड़ा मतलब क्या बोले, सबसे बड़ा मतलब पावना जिसे बोले कि बांग्लाय हमारा पावना बोली, कि महाराज जी हर टाइम बोलते थे जे तुम लोग विजय से आए हो तो मेरे बहुत करीब हो। क्योंकि हम लोग जब से सुना कि मेरे गुरु जी विजय शंकर जी वो महाराज जी के बहुत करीब थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब शाश्वती दीदी मेरे गुरु जी विजय शंकर जी एक साथ क्लास करते थे, और मेरे गुरु जी का क्रिएशन भी बहुत मतलब महाराज जी की तरफ मतलब बहुत फास्ट था। तो जब महाराज जी के पास आए हम लोग, दिक्कत तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि महाराज जी का जो सिखाने का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, और मेरे गुरु जी का भी लैंग्वेज हम लोग का सेम लगा। हाँ, अपडेट हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने का कुछ दिक्कत हुआ नहीं। सबको पता है कि महाराज जी वाज एन ऑलराउंडर आर्टिस्ट, उनको सब कुछ आता था। मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट गायन इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कथक की बात कर रही हूँ। कथक के जो अलग अलग एस्पेक्ट है, जैसे अभिनय है, नयकारी है, उपज है, अंग है, अलग अलग जो है, महाराज जी तो सब में माहिर थे, उनका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं था। पर तुमको महाराज जी का ये सब अलग अलग रूप में से कौन सा सबसे अच्छा लगता है? उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जब हम लोगों को गज सिखाते थे महाराज जी, बोलते थे मेरे बैक साइड पे ऐसा हाथ रखो, तो उंगली देखे, उंगली से हम लोग ऐसे ऐसे करके देखते थे, पूरा वन बाय वन जो एक पीछे का हड्डी है वो चलता, मतलब चलते चलता था, उसका मूवमेंट होता था। तो उनका जो नया तरीका है, मतलब जो पुराना कथक है उससे कैसे नया कथक को ट्रांसफर किया, मतलब नए तरीके से, लेकिन जो मेन भीत है उससे हटा नहीं, लेकिन उसी को मॉडिफाई किया। उनका अंग जो है, ये अंग मुझे मतलब डिफरेंट टाइप का जो मूवमेंट्स है कथक में उन्होंने जो क्रिएट किया, वही मुझे सबसे अच्छा लगता। मैं ये
अगर आपको पूछूं कि आप एक कुछ ऐसे दिखाई जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपने महाराज जी से स्पेशली वो चीज़ सीखा है, कोई कोई भी छोटा सीन, एक बंदिश हो सकता है, एक मूवमेंट हो सकता है, एक अभिनय का एक लाइन, जो भी आप करना चाहते हो आप थोड़ा सा करके दिखा। जैसे देखो हम कहते हैं कि महाराज जी के पहले कथक जैसे था, महाराज जी कथक को बहुत परिवर्तन किया था, तुमने भी बताया। एक बात बताओ कि आज के कथक जैसे अभी जो यंग जनरेशन है वो कितना मेहनत करके, मुझे लगता है हम लोग बहुत मेहनत करते थे जब हम सीखते थे, एक करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा करते थे, और आज भी जितना काम करते हैं एकदम दिल से, डेडिकेशन के साथ करते हैं। मुझे क्या लगता है, जैसे तुम सिखाती भी तो आजकल के बच्चे कितना डेडिकेशन के साथ, कितना मेहनत के साथ काम कर रहे हैं? आजकल का बच्चों का जो सबसे मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो लोग रियाज नहीं करते, एकदम रियाज नहीं करते। हम लोग जैसे बहुत रियाज करते थे पैर का जो रियाज, इसलिए आजकल का जो नया मतलब न्यू जनरेशन 99% बच्चों का पैर नहीं चलता है, एकदम नहीं चलता, क्योंकि बिना रियाज का पैर नहीं तैयार होता है। क्लासिकल है ही ऐसे ना, मेहनत नहीं करो तो दिखेगा। और जो और बुरी चीज़ है, हम लोग कभी, हम लोगों के टाइम तो वीडियो करना, ऑडियो करना ये सब नहीं था। अभी एक बोल हम सिखाएं, अच्छा मैम वीडियो कर ले, वो वीडियो जब क्लास में वो लोग आते हैं उसके पहले देख के जस्ट कॉपी एंड पेस्ट मेरे साथ हम लोगों के सामने करते हैं, ये इसलिए उसका वो लोग यहाँ पे उन लोगों का अंदर नहीं जाता है। एक छोटा चीज़ भी पहले यहाँ अंदर जाना चाहिए, फिर उसका एक्सप्रेशन जो निकलेगा वो इधर से निकलते हैं। अभी जो बच्चों लोगों का है वो ये और ये नहीं है, उन लोगों का जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी सिखाने में, टीचिंग में। चलो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी जो रास्ता हमें दिखाते गए हैं, जिस तरह से उन्होंने सिखाया, जितना हो सके वही हम फॉलो करेंगे और आगे सिखाने का कोशिश भी करेंगे। बाकी तो गुरु के आशीर्वाद सबके साथ है, जरूर आई हो काम अच्छा ही होगा और जल्दी फिर मिलूंगी। आज इतना ही, नमस्कार। We'll be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So subscribe, like, comment, and share our videos and keep learning.